अब बात रही है वॉटरमार्क की कि वॉटरमार्क कैसे हटेगा, लेकिन सब कुछ सेट हो गया। अब बात है वॉटरमार्क की कि वॉटरमार्क कैसे हटेगा। तो वॉटरमार्क के लिए आपको करना सिंपल एक ही चीज है, आपको दुकान में जाना पड़ेगा। तो लो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप एक काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा इजी होने वाली है गाइस। सबसे बड़ी चीज है काफी ज्यादा इजी रहने वाली है। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे एक स्ट्रीम कर सकते हो, आप कैसे एक स्ट्रीमर बन सकते हो। चाहिए कुछ नहीं, आपको बस तीन चीजों की आवश्यकता होगी। और मैं पहले ये चीज आपको बता दूं, आपको चाहिए होगा एक पीसी या लैपटॉप, उसके साथ आपको एक डिवाइस चाहिए होगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS, और साथ ही साथ एक चाहिए होगा आपको चार्जिंग केबल। और आपकी सारी दिक्कतें खत्म, आप एक बेहतरीन स्ट्रीम कर सकते हो, आप एक बेहतरीन स्ट्रीमर बन सकते हो। मैं अपने पीसी के होम स्क्रीन पे हूँ फिलहाल के लिए, अलग अलग यहीं से आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको क्लैरिटी दिखाऊंगा कि कैसी वो क्लैरिटी रहने वाली है। स्ट्रीम है गाइस, और यहीं पे आप लोग वीडियो कॉल की एंड ऑडियो कॉल की दोनों को आराम से इजीली चेक कर लीजिए एंड देन उसके आगे बढ़ेंगे गाइस। फ्लैंक गॉड इज ऑन फायर गाइस, क्या ही वो। तो फिलहाल को लेकर मैं एक कास्टर हूं, तो मेरे लिए वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो वहां पे मेरा सारा जो मेहनत होता है वो खराब हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने ये सॉफ्टवेयर को चूज किया है गाइस। एंड आप देखिए किस लेवल पे वो वॉइस आ रही है, कैसा क्लियर एंड कट वो क्रिस्टल एक बहुत वॉइस देखने को मिलेगी। वीडियो क्वालिटी की बात करता हूं तो यहीं पे आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जा रही है मेरी 1440 पिक्सल की, यहाँ पे गाइस वो वीडियो क्वालिटी रहने वाली है मेरी, काफी बेहतरीन वीडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एंड इसी के साथ करना कुछ नहीं, अब मैं सीधा आपको प्रोसेस पे लेके चलूंगा। अगर आपके पास ये तीनों चीजें लाइक पीसी या लैपटॉप और एक फोन और एक चार्जिंग केबल, अगर चार्जिंग केबल इन द सेंस अगर आपके पास नहीं भी है तो डजंट मैटर, उसका कोई सीन नहीं है गाइस, ठीक है, वो अपन कर सकते हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। गाइस अब मैं सीधा आपको प्रोसेस बताता हूँ, करना आपको सिंपल है, गूगल पे जाना है, ठीक है, दुआन मिरर ये लिख के आ जाएगा। आपको सिंपली दुआन मिरर पे जाना है एंड यहाँ पे भी पहली साइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास चार ऑप्शन है, लाइक क्लासिक वर्जन है, आपके पास 64 बिट है, मैक है और एंड्रॉइड है। तो मेरा विंडो 64 बिट है तो मैं सीधा यहाँ पे विंडो 64 की बिट पे यहाँ पे गैस जाऊंगा एंड यहाँ पे सीधा इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो चलिए गाइस सेव कर लेता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे गाइस ये बहुत तेजी में गाइस सेव हो गया क्योंकि ज्यादा वो MB इसका है नहीं। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको क्लिक करता हूँ, ओपन यहीं से मैं कर दूंगा और सिंपली इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को, एग्रीमेंट्स को आपको ओके करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ नेक्स्ट करते ही आपको इंस्टॉल करने का, ब्राउज करके कहीं पे भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं अभी सी प्रोग्राम में ही इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लीजिएगा सी प्रोग्राम में हमने इसे कर दिया है इंस्टॉल एंड यहाँ पे गाइस बहुत ही कम समय, मतलब एकदम लैगिंग नहीं है इस ऐप में। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर में कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पे रन के लिए पूछ रहा है तो हम रन पे ऑलरेडी चेक्ड है, हम सीधा फिनिश करेंगे और ये हमारे सामने रन हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये आ गया हमारा गाइस दुआन का सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ से आप लोग अपनी आईडी बना सकते हैं और आईडी जरूर बना लीजिएगा गाइस अभी, ठीक है। एंड इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, लाइक जनरल है, आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना। इफ़ यू वांट कि आपका लैंग्वेज जो है वो आपको चेंज करना है, यू कैन, आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं। iOS डिवाइस वालों के लिए बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर रहने वाला है बिकॉज उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, यू कैन अनेबल ऑल्सो दैट, ठीक है। उसके बाद अगर आप कास्टिंग की बात करते तो आप वीडियो सिर्फ ले सकते हैं या सिर्फ ऑडियो, और अगर आप चाहो तो वीडियो ऑडियो प्लस। फिलहाल मेरे को दोनों चाहिए तो मैं दोनों चीज़ें रखूंगा। स्क्रीन साइज पे मैं ऑलवेज बेस्ट रखता हूँ, बट अगर आप चाहते हो तो 1920 और 1080 में कर सकते हो आप, ठीक है। FPS 30 मैंने रख रखा है, आप 60 जो आपका डिवाइस सपोर्ट करे आप वो कर लीजिए। वायरलेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वायरलेस में भी एज सेम चीज़ देखने को मिल रही है, स्क्रीन का साइज जो आप बेस्ट रख सकते हो 1920 एंड 1080p का रख सकते हो। FPS अपने हिसाब से ये सब आप कर सकते हो। एंड्रॉयड में भी एज सेम आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ रेंडर की, तो यहाँ पे ओपन GL है और डायरेक्ट 3D है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप इसे ना छेड़े, आप सिर्फ अपने iOS या Android दोनों में से जो डिवाइस आपके पास है आप सिर्फ उस पर वर्क करें। यहाँ से गाइज मैं आपको सीधा मैं अपने iOS डिवाइस पे लेकर चलता हूँ, करना कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे सिंपली इसका लॉक यहाँ पे खोलेंगे एंड अपर साइड से अगर अभी आपने अभी देखिए मैंने केबल यहाँ पे नहीं लगा रखा, ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे कोई भी केबल मैंने नहीं लगा रखा। तो जस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर पे जाऊँगा, स्क्रीन मिररिंग, और यहाँ पे गाइस दुआन देखिए मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप आ गया।
जस्ट मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मेरा आ चुका है आपका द्वान, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे सीधा गेम खोलता हूँ तो आराम से मेरा विंडो यहाँ पे हो गया, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे अगर वायर की मैं बात करूँ तो वायर में भी एज इट इज यहाँ पे क्या सेम ही आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रीन मिरर कैसे करना है। फिलहाल के लिए वायरलेस मैंने करा है, बट आप फिर भी अगर आप देखें तो कोई भी लैग, फिलहाल कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं फिलहाल को लेकर कोई भी लैग आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप एक बार स्क्रीन देखिए और ये चीज देखिए, कोई लैग यहाँ पे विदाउट वायर भी नहीं आने वाला। बट इफ यू नीड अ परफेक्ट थिंग तो आपको यहाँ पे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, लाइक यूएसबी केबल चाहिए होगा आपको, यूएसबी टू लाइटनिंग फिर iOS के लिए। अदरवाइज अगर बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की तो उनके पास तो ऑलरेडी यहाँ पे गाइस रहता है। और यहाँ पे चलते गाइस, पहले मैं अपना यूएसबी केबल जो है वो कनेक्ट कर लूं। लीजिए मेरा यूएसबी केबल यहाँ पे गाइस हो चुका है कनेक्ट मेरी पीसी से। एंड यहाँ पे गाइस सेम थिंग है कि आप बस इसको ऐसे आपको लगाना है, आपको बस सिंपल गाइस इसको ऐसे पुट कर देना है इसके अंदर, जैसे आप लगाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले यहां से गाइस मेरे को स्क्रीन मिररिंग ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। लीजिए गाइस अभी जैसे मैंने लगाया, आप देखिए आपका स्क्रीन मिरर यहां पे हो चुका है, ठीक है, विद वायर। विद वायर भी आपको सेम ही लेटेंसी, मतलब थोड़ी और परफेक्ट लेटेंसी मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल भी आपको लैग होता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी आपके कोई दिक्कत होगी नहीं साउंड में भी एंड बाकी चीजों में भी, ठीक है। फिलहाल के लिए हो चुका है गाइस ये हमारा मिरर का ऑप्शन पूरा कंप्लीट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है आपका। देखिए यहाँ पे मैंने विंडो कैप्चर आपका है, विंडो कैप्चर पे हम जाएंगे और यहाँ से द्वान आईफोन है, ठीक है, द्वान आईफोन है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, डन हो गया। यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अपना फिट टू स्क्रीन कर दिया, दैट्स इट गाइस, ऑल डन। यहाँ पे आप अपना ओवरले लगा लीजिए जैसा भी आपको लगाना, ऑल डन। आप यहाँ पे जाइए सीधा स्ट्रीम का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपनी स्ट्रीमिंग की होगी उसे डाल लीजिए। अब अगर स्ट्रीमिंग की आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक आप यहाँ गए, लाइक मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे करा सेटिंग्स रिज्यूम पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है कि भाई क्या क्या मेरे को रखना है, कितना कितना रखना है, ऑलरेडी वो सारे अपडेटेड है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे मैं टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि अभी स्ट्रीम ऑन ना हो जाए, एंड वो 10 का कर देते, ठीक है। थोड़ी देर का मैंने एक स्ट्रीम सेट किया और जैसे ये स्ट्रीम सेट हो जाएगा आपको स्ट्रीमिंग की वहाँ से मिल जाएगी। और थोड़ी देर में गाइस मैं ये भी बताऊँगा, जो आपको एक चीज़ देखने को मिले कि भाई द्वान हम कर तो रहे हैं बट द्वान में आपको वहाँ पे उनका वाटरमार्क देखने को मिल रहा, तो वो कैसे हटेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे गाइस आपको नीचे की ओर देखने को मिल रहा होगा, ये आपका स्ट्रीमिंग की होता है, ये वाला जो होता है ये स्ट्रीमिंग की है, इसको जस्ट सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाके आप जैसी स्ट्रीम पे जाओगे यहाँ पे उसे पेस्ट करके डन कर दो, ठीक है, सिंपली यहाँ से डन कर दीजिएगा। यहाँ से जैसे आप गो लाइव करेंगे आपको लाइव स्ट्रीम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात रही है वाटरमार्क की, कि वाटरमार्क कैसे हटेगा, लेकिन सब कुछ सेट हो गया। अब बात है वाटरमार्क की, कि वाटरमार्क कैसे हटेगा। तो वाटरमार्क के लिए आपको करना सिंपल एक ही चीज है, आपको द्वान में जाना पड़ेगा, एंड द्वान जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाते हो, आपको जैसे साइन इन करते हो यहाँ पे बाय का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाय के लिए आपको करना पड़ेगा साइन इन। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे गाइस पहले साइन इन कर लेता हूँ, ये मेरी ऐसी नॉर्मल ईमेल है मैंने जो बनाई है अभी अभी, वो मैंने डाल दी है, और पासवर्ड एक डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जिनका नहीं बना अभी तक आईडी वो साइन अप कर लीजिएगा गाइस, ये मैंने सिंपली गाइस यहाँ पे गाइस साइन इन कर लिया। अब यहाँ पे आएगा बाय का ऑप्शन 12 मंथ के लिए, यानी पूरा एक साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है $9.99, यानी अराउंड $10 का, जो कि आपको लगभग 800 समथिंग का पड़ेगा, ठीक है, 800 समथिंग का ऑन इंडियन रुपीज पड़ेगा। पेपल से इसकी पेमेंट हो जाएगी, यानी सिक्योर पेमेंट रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसके बाद भी आप लोग चाह रहे हो कि भाई पैसा भी खर्च ना हो और सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए, तो ऑप्शन द्वान उसका भी आपको देता है। लाइक अगर आपको द्वान से सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए
तो आपको जस्ट एक मेल यहाँ पे दुवान को करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपके पास लाइक 5K सब्सक्राइबर्स है, 10K सब्सक्राइबर्स है, तो आप दुआन को वहाँ पे मेल लिख दीजिए। जैसे ही गाइस आप अपनी कोई भी स्ट्रीम को शेड्यूल करते हैं तो उसकी एक स्ट्रीमिंग की होती है, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको गाइस बिल्कुल ही फ्री में चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। लाइक आपको दुआन के लिए यहाँ पे गाइस आपको दुआन में एक मेल करना पड़ेगा दुआन की ईमेल एड्रेस पे, और अगर आपको दुआन की ईमेल एड्रेस चाहिए गाइस, तो आप लोग बस सिंपली कमेंट सेक्शन में दुआन लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दोबारा। iOS डिवाइस वालों के लिए बहुत बहुत प्यारा ये